थोड़ा टाइम स्पेंड किया हमने वहाँ पर, एंड पूरा पीछे से व्यू दिखता है शहर का, तो काफ़ी अच्छा किला है एंड मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है अभी तो। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एवरीवन। आई होप गाइज आप मेरी तरह अच्छे होंगे। सो गाइज, आज है 28 दिसंबर और मॉर्निंग के हो रहे हैं 5:30, और तुम्हारे भाई रेडी होके अभी आ चुका है लोकेशन पर। यह है रेलवे स्टेशन, हमको जाना है चित्तौड़ के लिए, तो हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं एंड अब देखते हैं ट्रेन कब आती है। 6 बजे का टाइमिंग है तो देखते हैं। हम आ चुके हैं फाइनली चित्तौड़ पे, जैसे कि तुम लोग देख सकते हैं यह चित्तौड़ एंड ये पूरा चित्तौड़ शहर है पीछे का। और काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है आज, बारिश भी आई थी तो अच्छा लगा मुझे भी यहाँ पर आके। तो अब एक्सप्लोर करते हैं, ऊपर चलते हैं चित्तौड़ फ्लोर पे फटाफट। 40 रुपये का टिकट है यहाँ का, वो टिकट काउंटर आप देख सकते हैं ये, तो ये टिकट काउंटर था। और अब चलते हैं यहाँ पे चित्तौड़ पे। बस ये है कुछ यहाँ की एंट्री चित्तौड़ की, और हमने टिकट ले लिया है, 40 रुपये पर पर्सन यहाँ का टिकट है। और काफ़ी अच्छा वेदर भी हो रहा है, बारिश वाला, मॉर्निंग से ही बारिश आ रही है यहाँ पर। तो यहाँ आगे की क्लिप्स आपने देखी होगी, जैसा कि हम ट्रेन में आए थे मॉर्निंग में और वहाँ पर भी बारिश हो रही थी उदयपुर में। और ये कुछ एंट्री दे रखी है शायद, अब काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो अंदर जाके एक्सप्लोर करते हैं इसे। तो गाइस, तुम लोग देख सकते हो बाहर से कितना अच्छा दिखता है चित्तौड़ का, तो अंदर से कैसा दिखता होगा, तो अंदर चलते हैं। चलते हैं अंदर, यहाँ पर कुछ रख रखा है, हमारी विरासत हमारा गौरव, तो बिल्कुल सही बात रख रखी है। एंड अब मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ चित्तौड़, तो एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से ढंग से। एंड ये कुंभा महल है, ये रख रखा है कुंभा महल, भव्य महल, तो अंदर एंटर करते हैं। और चारों तरफ से परकोटा बना हुआ है जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, तो ये कुछ एंट्री है यहाँ से। सो गाइस, कुछ अंदर से ऐसा है ये कुंभा महल, ये देख सकते हो काफ़ी प्यारा व्यू आ रहा है। और इस मौसम में ऐसी जगहों पर घूमना काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि बारिश का मौसम है। ये लोग कहाँ कहाँ पर चढ़े हुए हैं, कुछ छतरियाँ बनी हुई है ऐसी। कुंभा महल के अंदर का व्यू कुछ ऐसा है, और उधर की साइड भी चलते हैं हम, तो काफ़ी अच्छी जगह है। उधर मंदिर है देख सकते हो, उधर भी चलेंगे हम, पहले इस पूरे महल को एक्सप्लोर करते हैं। तो काफ़ी इमारतें हैं जो टूट चुकी है, जो काफ़ी साल पुरानी हो चुकी है, पत्थरों से बनी हुई है। और यहाँ से व्यू प्रॉपर बहुत अच्छा दिखता है, उधर से चेकआउट करते हैं हम। ये विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ दोनों में से एक है, मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ यहाँ पर। कौन सा, ये वाला किला है, ये विजय स्तंभ है ना, विजय स्तंभ ही है। ये कुछ नीचे से गुफा वगैरह कुछ दिख रही है यहाँ की, और ये इधर का रास्ता, इधर चलते हैं हम। यहाँ पर काफी भीड़ भी है आज, अभी सुन के आएंगे। अच्छा, तो ये महल है यहाँ का, तुम लोग देख सकते हो। तो कुछ भैया बता रहे हैं, भैया
चैलेंज कर रहा था कि अपने साथ साथ में मंत्रणा कर रहे थे कि आज रात को 12 बजे उदय सिंह को मारना है। उस वक्त में दीवार की ओट में पन्ना दाई ने इस बात को सुन लिया और पन्ना दाई को अपना वचन याद आया, तो पन्ना दाई ने समय से पहले दोनों बच्चों को सुला दिया, एक उनका बच्चा प्रधान था उदय सिंह को सुला दिया। और नीली तो उधर चलते हैं, उधर उससे भी देखते हैं कैसा क्या व्यू है। तो काफी खंडर हो चुके हैं ये, क्योंकि प्रॉपर पत्थरों से बना हुआ था और काफी साल पुराना है किला। तो अब हम उस लोकेशन पर भी चलते हैं और चेकआउट करते हैं और फोटोशूट भी करवाते हैं यहाँ पर थोड़ा। तो मेरे इंस्टाग्राम को चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। और ये काफी खूबसूरत इमारत है, देख सकते हो तुम। सो गाइस, अब चलते हैं उस लोकेशन पे, सामने दिख रहा हुआ आपको, तो उस लोकेशन पे चलते हैं, हम एक्सप्लोर करते हैं जैसे रास्ता है इसका। ये कुछ रास्ता है नीचे जाने का, यहाँ से सीढ़ियाँ दे रखी है, उधर चलते हैं। तो काफ़ी बारिश आई थी यहाँ पर, जैसे ये की चीज़ें। फिर भी कुछ मंदिर होगा यहाँ पर और ऐसे कुछ खंडर हो गए ये महल। चारों तरफ महल ही महल है। सो यहाँ से आएगा प्रॉपर व्यू। तो यहाँ से पीछे पूरा शहर दिखता है, ये तुम लोग देख सकते हो। एंड उधर से हम आए थे उस वाले रास्ते से, थोड़ा टाइम स्पेंड किया हमने वहाँ पर। एंड पूरा पीछे से व्यू दिखता है शहर का, तो काफ़ी अच्छा किला है। एंड मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है अभी तो, और अभी जिस तो उधर है। तो ऐसा कुछ हमको चढ़ के जाना पड़ रहा है यहाँ पर। तो गाइस चलते हैं नीचे यहाँ से सीढ़ियों से। तो करते हैं आगे एक्सप्लोर किले को। यानी मंदिर टाइप दे रखा है यहाँ पर, मंदिर है या क्या है, हम देख के आते हैं अंदर। नहीं कुछ नहीं अंदर। सो गाइस हम इस लोकेशन पे हैं अंदर, एंड फोटोशूट वगैरह के लिए काफ़ी ऑसम लोकेशन है। तो अभी तो खंडर हो चुका है पूरा महल, तो चलो चलते हैं यहाँ सर, और अच्छी अच्छी जगह है यहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं। कुंभा महल से तो हम वापस आ चुके हैं, अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लोकेशन पर। और ये कुछ परखोटा है साइड साइड का, जिसे कहते हैं दीवार। गाइस ये किला बहुत बड़ा है एंड इसको एक्सप्लोर करने के लिए 1.5 से 2 घंटा प्रॉपर चाहिए। तो अब अभी हम आए हैं 1 बजे के समथिंग, तो हमें 2 या 2.5 बजे तक वापस से फ्री होना है, क्योंकि हमें नेक्स्ट लोकेशन पे भी जाना है जिसका सेकंड पार्ट आएगा, तो एक्सप्लोर करेंगे। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना यूट्यूब चैनल को। इसी तरह अच्छे अच्छे व्लॉग आते रहेंगे। और अब बता दो हमें पीछे का। गाइस हम आ चुके हैं बड़ी पोल पर, तो ये कुछ पोल है। एंड एंट्रेंस से मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि मैं जिस ऑटो में आया था उसमें काफ़ी भीड़ थी, तो गणेश पोल, लक्ष्मण पोल, काफ़ी पोल आई थी वहाँ पर भी, तो थोड़े बहुत आपने शॉर्ट्स में देखा होगा। एंड अब चलते हैं यहाँ पर अंदर। हम आए हैं सेकेंड लोकेशन पर, यहाँ है मीराबाई का मंदिर। तो यहाँ पर चलते हैं अंदर एंड एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा।
तो काफी बड़ा मंदिर भी है अंदर, देख सकते हो अंदर मंदिर है। तो अब चलते हैं हम अंदर, गाइस चलते हैं अंदर मंदिर में, मेरा भाई के मंदिर। तो ये अंदर से कुछ ऐसा है मंदिर, एंड ये भगवान, यहाँ पर भगवान की मूर्ति है। ये मंदिर तो हमने एक्सप्लोर कर लिया, अब एक और मंदिर है जो हमें एक्सप्लोर करना बाकी है, तो अब वहाँ पे चलते हैं जल्दी से। तो ये मंदिर था, अब ये सेकंड मंदिर है, तो अंदर चलते हैं इसके अंदर भी एंड देखते हैं। तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है, आप भी ट्राई कर सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा तो आप। तो यहाँ से दर्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मंदिर है कृष्ण भगवान और मीराबाई का, तो सूत्रों से कुछ ऐसा बता पड़ा है। तो ये कृष्ण भगवान और मीराबाई का मंदिर है। यहाँ पर है संत शिरोमणि के चरण, यहाँ का पूरा एक्सप्लोर कर लिया है एंड अब चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पर। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लोकेशन पर। इस आज सुबह मॉर्निंग में बारिश भी हुई थी, तो उसके कारण काफ़ी ठंड पड़ रही है यहाँ पर भी, और उदयपुर में भी हुई थी बारिश, तो उदयपुर में भी ठंड पड़ रही होगी। तो यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी, काफ़ी अच्छी जगह है। आप भी राजस्थान से हो तो काफ़ी अच्छी जगह है इतिहास से संबंधित, तो मैं तो आया हूँ, पर आप भी आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर देना, मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो अब चलते हैं हम विजय स्तंभ देखने, तो अब चलो देखते हैं विजय स्तंभ को। गाइस फाइनली हम आ चुके हैं विजय स्तंभ पर, जैसा कि तुम लोगों को दिख रहा होगा ये विजय स्तंभ। तो अब हम अंदर जाके इसको एक्सप्लोर करेंगे ढंग से एंड प्रॉपर चीज़ें बताऊंगा। तो कितनी मंजिल है इसमें, 9 मंजिल का है मुझे पता है, जब तक मैंने पढ़ा है 9 मंजिल का विजय स्तंभ है पूरा। और तो दूर से ही काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो पास जाके कैसा लगेगा, तो इसलिए कहता हूँ तो आप राजस्थान से हो तो एक्सप्लोर करो, एंड काफ़ी अच्छी नॉलेज भी मिलती है, घूमने को भी मिल जाता है। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं विजय स्तंभ पर, तो चलते हैं, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो हम आ चुके हैं फाइनली विजय स्तंभ पर, और काफ़ी बड़ा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैंने वाइड एंगल में कैमरा डाल रखा है, और आज काफ़ी भीड़ भी है। तो क्योंकि यहाँ पर मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था वीडियो का, तो मैंने एग्ज़ाम भी दे दिया एंड पूरा एक्सप्लोर भी कर लेंगे तरीके से। तो अब चलते हैं विजय स्तंभ पर, और अब बारिश की वजह से चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो रखा है। तो यहाँ से भी प्रॉपर सारी चीज़ें दिखती है, तो उधर है किला, अब यहाँ पे भी हम फोटोशूट करवाएंगे। गाइस कुछ ऐसा दिखता है ये विजय स्तंभ एंड उसके चारों ओर कुछ ऐसा। तो ये है रास्ता नीचे जाने का जो उधर की साइड भी जाता है, एंड उधर मंदिर भी है बहुत सारे, तो उधर भी एक्सप्लोर करेंगे हम। एंड अभी यहाँ पर फोटो वोटो भी जाते हैं, फिर हम चलते हैं उधर से। मेरे पीछे देखा होगा विजय स्तंभ जो मैंने पूरी वीडियो में कवर किया है, एंड पीछे का व्यू कुछ ऐसा है। तो आपको क्वालिटी कैसी लग रही है वीडियो की, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, एंड नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए वो भी मुझे बताना, और इसको एक्सप्लोर करते हैं अभी तो फिलहाल। और ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स आते रहेंगे चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर देना सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। तो ये था हमारा विजय स्तंभ, और काफ़ी अच्छी लोकेशन है डूड। गाइस यहाँ पे एक मंदिर है, एंड उधर की साइड कुछ खंडर महल है जैसा कि तुम लोग देख सकते हो। तो अब चलते हैं थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं मंदिर किसका है क्या है। किसका मंदिर है? तो ये मंदिर है समाधि शिव मंदिर। तो अब अंदर चलते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं।
तो ये एंट्रेंस है कुछ यहाँ की। इससे पहले आपने देखा होगा ये मंदिर की अंदर की क्लिप, क्योंकि अंदर की क्लिप मैंने छोटी इसलिए डाली क्योंकि अंदर शूट करना मना था। तो इधर से चलते ना, इधर से चलते हैं। यहाँ से पूरा शहर दिखता है एंड यहाँ से भी पूरा शहर दिखता है एंड ये सीढ़ियाँ है तो हमें वहाँ पे जाना है एंड उधर भी चलेंगे जहाँ से वो बंदे फोटो वोटो खिंचा रहे हैं, तो पूरा एक्सप्लोर करेंगे इसको भी। तो गाइज यहाँ से कुछ ऐसा व्यू मिल रहा है एंड ये कुछ तालाब हैं और ऊपर मंदिर है, तो ऊपर जाके भी देखेंगे कौन सा मंदिर है। यहाँ का तो मैंने बता दिया था आपको क्लिप्स, तो काफ़ी अच्छा है। गाइज यहाँ पे कुछ गेट है जहाँ पर सभी लोग फोटो खिंचा रहे हैं एंड ये था मंदिर जिसे हमने बताया था व्लॉग में, तो काफ़ी अच्छी जगह है। मैं तो यही कहता हूँ आप भी उदयपुर से हो तो आओ, चित्तौड़ से हो तो बहुत अच्छे बात है। इसलिए कहा गया है गांव में पड़े जलना जरे नर्वे नाचे। तो ये है कुछ लोकेशन यहाँ की, प्री वेडिंग फोटोशूट के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। तो इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में काफ़ी मंदिर भी है जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में बताया, बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पर और बहुत सारे मंदिर। इस वाले मंदिर में हम चलते हैं, अब अंदर देखते हैं कौन से भगवान का यह मंदिर है। एक तरफ है नीचे सीढ़ी जाने का है, सीढ़ियाँ है एंड यहाँ से कुछ देखते हैं लोकेशन, तो काफ़ी अच्छा लोकेशन है देख सकते हो। और नीचे आपको बताया था कौन का इस सीढ़ियाँ उतर के मैं आ चुका हूँ अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे, जो है यहाँ से पूरा कुंड दिखता है, ये रेलिंग लगा रखी है साइड साइड में, तो यहाँ से भी काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था। और मैंने आपको इससे पिछले वाला व्यू वहाँ से बताया था और वो सीढ़ियाँ थी। गाइस यहाँ पर आए थे एंड यहाँ पर कितना क्लियर पानी है देख सकते हो तुम लोग, और काफ़ी भीड़ भी पड़ रही है यहाँ पर फ़ोटो खिंचाने के लिए। यहाँ से नीचे रास्ता है पर हम नहीं जाएंगे अभी क्योंकि हमें लेट हो रहा है। फाइनली अभी धूप निकल चुकी है, सुबह से बारिश आ रही थी, बूंदाबांदी हो रही थी एंड ये मैंने बता चुका हूँ विजय स्तंभ, और काफ़ी भीड़ पड़ रही है। आए हैं कालका माता मंदिर, तो अंदर चलेंगे और पूरा एक्सप्लोर करेंगे कालका माता मंदिर, माता जी के दर्शन करेंगे, बहुत फेमस मंदिर है यहाँ का। सो गाइज ये है कालका माता मंदिर, तो अब हम अंदर चलते हैं एंड माता जी के दर्शन करते हैं। गाइज ये कुछ एंट्री थी यहाँ की कालका माता मंदिर की, और काफ़ी अंदर से काफ़ी बड़ा मंदिर है, तो अंदर चलते हैं। और दिख रखा है फ़ोटो खींचना मना है, तो अंदर मैं कैमरा लेकर नहीं जा सकता हूँ, तो अभी दर्शन यू ही करेंगे, आपको बता नहीं सकता क्योंकि बाहर रिक रखा है। तो गाइज हम फाइनली आ चुके हैं पद्मिनी महल में, तो ये कुछ एंट्री है यहाँ की, तो चलते हैं अंदर एंड एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी बारिश हल्की हल्की बौछार आने लगी है बारिश की, तो यहाँ से लेते हैं एंट्री। और ये कुछ अंदर से है व्यू, बारिश भी आ रही है इसलिए मुझे हाथ रखना पड़ेगा ऊपर। सो गाइज ये है पद्मिनी महल, जहाँ से पद्मिनी पिक्चर में भी देखा होगा आपने, जहाँ से पद्मिनी देखती है, ये है पानी के बीच में और जौहर का उस साइड है, तो देखेंगे काफ़ी अच्छा बना रखा है पानी के बीचों बीच, और सीढ़ियाँ दे रखी अंदर जाने के लिए। तो अभी थोड़ी बारिश भी आ रही है इसलिए मैं ब्लॉक साइड में आके शूट कर रहा हूँ, और काफ़ी क्लियर है पानी भी। यहाँ से सभी दिख रहा है, यहाँ से विजय स्तंभ भी दिख रहा है, माता जी का मंदिर भी दिख रहा है, और काफ़ी सब यहाँ से दिख रहा है पद्मिनी महल से। गाइस ये है पद्मिनी उद्यान, और पास में भी यही है, और अंदर से कुछ दिखता है जो मैंने आपको बताया था। यह महल है पास में पद्मिनी का, बाहर से दिखेगा, एंड ये पास का था जो हम बारिश की वजह से जाना पाए।